हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। तो गाइस, आज से हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। मोबाइल में हम लोग खेलने वाले हैं। ये गाइस 1.17 एडिशन है, केव एंड क्लिप्स का अपडेट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये गाइस मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पीसीज पे खेलना पसंद करता हूँ। और फिर मैं अचानक से, आप देख ही सकते हैं, मुझसे कुछ यहाँ पर ढंग से हो नहीं रहा है। और जितनी मेरी स्किल्स हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ज़िंदा तो रह लूँगा, बट पता नहीं। ओके, ये गोट है। आते ही आते गोट मिल गई। वैसे गोट हमें गोट हॉर्न देती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जानता क्या गाइस, गोट हमें यहाँ पे गोट हॉर्न ही देती है। और ये वर्ल्ड हमने इसलिए बनाया है ताकि हम यहाँ पे खेल सकें सिंपली। और अब यहाँ पे सबसे पहला जो माइनक्राफ्ट प्लेयर का काम होता है वो होता है वुड तोड़ना। मैं ये ओके, वो एक लामा है, लामा को मार के देखवाएं, हो सकता है वो मुझे ही मारते। बट ये क्योंकि 1.17 होने वाला है, तो यहाँ पे हमें केव्स एंड क्लिप्स के सारे अपडेट, यहाँ पे केव्स एंड क्लिप्स अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे स्पाई क्लास और बाकी नई चीज़ें आ चुकी हैं। ओके फ्रेंड्स, सो पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी फूड तोड़ लेता हूँ, फिर थोड़ी माइनिंग कर लेता हूँ। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो मेन चीज़ होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो अगर हम लोग यहाँ पे माइनिंग नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे जितना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि माइनिंग के बिना हमारे पास कोई टूल्स नहीं होंगे। और यहाँ पे ओके, मुझे आती है, एक सीट मिल रही, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे थोड़ी वीट उगा लूँगा, तो पहले तो पाँच हो जाए तो फिर हम चले माइनिंग पे। ओके, तो हुए पाँच या बचे तो छोड़िए। ओके, अब जल्दी से मैं बना लेता हूँ थोड़ी बर्च वुड, एक क्राफ्टिंग टेबल, एक तो ये बन गई। अब बना लेते हैं जल्दी से टूल्स, एक एक्स, एक पिकैक्स, और जल्दी से कर लेते हैं इसे तोड़। जल्दी से ऊपर चलते हैं। और थोड़ी नहीं, पहले गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक तो पी मार लूँ ताकि थोड़ा फूड का इंतज़ाम हो जाए। बट गाइस इसके अंदर जो सबसे हार्ड चीज़ यही होने वाली है कि मैंने सोचा है मैं यहाँ पे वेजिटेरियन बन के रहा हूँ, क्योंकि गाइस वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन रहता है, बट अगर मुझे भूख लगी तो मैं क्या करूँगा उसका मुझे भी नहीं पता। बट मैं यहाँ पे कुछ इंतज़ाम करूँगा, वो मुझे नहीं पता मैं क्या इंतज़ाम करूँगा, बट कुछ ना कुछ तो करूँगा। मैं सोच रहा हूँ एक जल्दी से एक सर्ड एक बना ही लेता हूँ। शवल, शवल का हो सकता है ज़्यादा यूज़ पड़े। बट ओके, यहाँ पे हमें मिल चुकी है गाय। गाय नहीं मारेंगे, मारेंगे नहीं। मैं अपने वर्ल्ड में नहीं चाहता, स्टार्टिंग में ही मैं मारा कुटी करना चालू कर दूँ वैसे। हाँ ओके, मिल गया कोबल स्टोन। तो मैं जल्दी से यहाँ पे थोड़ा कोबल स्टोन माइन कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं ये गेम एक दो बार खेल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है इसमें क्या करते हैं। क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड किया था तब इसके ग्राफिक्स बड़े घटिया थे, लेकिन अब इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और मैंने खेलना भी अच्छा से सीख लिया है, तो मुझे यहाँ पे आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इतना बन गया कि मैं एक फर्नेस बना लूँ। और इस फर्नेस के बिना यहाँ पे क्योंकि काम भी नहीं चलता, एक स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ। ठीक है, 11 है, ठीक है। अब बना लेता हूँ एक एक्स में, आई थिंक ठीक रहेगा। ओके, 8 हो गया यहाँ पे, तो एक तोड़ लेता हूँ मैं जल्दी से। ओके, तो ये मैंने तोड़ लिया जल्दी जल्दी से। अब एक फर्नेस बना लेता हूँ, क्योंकि इस फर्नेस की तो मेन यूज ही रहता है, क्योंकि इस फर्नेस सही चीज़ है, फर्नेस के बिना कुछ यहाँ पे होता नहीं है। और कोल तो मेरे पास मुझे यहाँ पे मिल गया। जल्दी से स्टोन पे क्या से यहाँ पे मैं कोल तोड़, पहले गाइस मैं ये कोल तोड़ लूँ। गाइस यहाँ पे कोल की जो मुझे मेन ज़रूरत पड़ने वाली है वो ये है कि यहाँ पे क्योंकि ये 1.70 है, तो यहाँ पे पहले मुझे रॉ आयरन मिलेगा। रॉ आयरन के बाद मुझे इसे फर्नेस में डाल के स्मेल्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे वो आयरन इंगट के तौर पर मिल जाए। और रंच तो ये हार्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वार्डन भी है और यहाँ पे कुछ नई अपडेट्स भी आई हैं, जैसे स्पाई ग्लास, और यहाँ पे आ चुके हैं लाइटनिंग रॉड। उसका काम क्या होता है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो जहाँ पे आप उसे लगाते हैं वो जो लाइटनिंग है वो उसके एरिया के पास नहीं गिरती, तो ये उस लाइटनिंग रॉड का काम रहता है। ओके, और ये बड़ी अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वुड का कोई घर बनाया, यहाँ पे लाइटनिंग हुई, थंडरस्टॉर्म हुई, तो मेरा लॉस हो जाएगा पूरी तरीके से।
है फ्रेंड्स, इसलिए खूब सारा कोल भी आ चुका है आई थिंक। ओके ऊपर भी है थोड़ा, तो मैं ऊपर से थोड़ा कोल तोड़ लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने कोल तोड़ लिया थोड़ा सा, और थोड़ा कोल है और भी एक ही तोड़ लेता है आई थिंक, इतना ठीक रहेगा। चेक करके देखते हैं और है क्या। शिफ्ट नहीं और नहीं, बट हो सकता है थोड़ा रॉ आयरन मिल जाए। कोई आयरन नहीं है आई डोंट थिंक यहाँ पे रॉ आयरन हो तो गाइस यहाँ पे सही हो, तो नहीं है यहाँ पे कोई भी। तो पहले थोड़ी मैं क्योंकि कोल तो बहुत बड़े, कोल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाइस यहाँ पे कोल जिस काम के लिए होता है वो होता है स्मेल्टिंग, और अगर स्मेल्टिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं, यहाँ पे हमारे पास वुड रहती है, बाकी चीज़ें भी रहती हैं, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अब यहाँ पे मुझे थोड़ा तो जल्दी जल्दी से चाहिए होगा। वैसे ये छेद किसने बनाया मुझे नहीं पता, इवन हो सकता है मेरे वर्ल्ड में कोई डिफेक्ट हो। वैसे तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टिक्स टॉर्चेस बना लूँ। 16 ठीक है, 16 भी ठीक है। गाइस यहाँ पे आयरन ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है लगता। चलो लेकिन हम आयरन ढूंढ के रहेंगे, उसके लिए पहले यहाँ पे माइन ढूंढने की आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बट गाइस पहले मैं आपको मिलता हूँ, पहले मैं एक तो विलेज तो मुझे मिले तो ठीक रहे, कोई प्लेन्स कोई सीधी। ओके तो यहाँ पे मुझे